मकर संक्रांति पर्व पर विशेष जानकारी दे रहे महंत डॉक्टर रामेश्वर प्रसन्नाचार्य जी महाराज, देवरहा बाबा आश्रम तीर्थ का राजा कहा जाने वाले प्रयागराज, जहां गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। संगम मेले में माघ मास में एक महीने तक चलने वाले मेला मकर संक्रांति पर्व से शुरू होता है। मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है। जब सूर्य उत्तर नारायण में आते हैं तो मकर संक्रांति पर्व होता है। इसको पर्व में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के रोज स्नान करने क्या विशेष महत्व है, जिसकी जानकारी दे रहे डॉक्टर रामेश्वर प्रपन्नाचार्य जिसकी जानकारी दे रहे डॉक्टर रामेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जो देवरहा बाबा आश्रम के महंत हैं। महंत जी के मुताबिक इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान दान करने से विशेष पूर्ण लाभ होता है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु प्रयागराज में संगम स्नान कर दान पुण्य करते हैं, जिससे अपनी एवं अपने परिवार का पूर्ण लाभ की कामना करते हैं। नीलात पत्रम वट एव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयाग। यह तीर्थराज प्रयाग की जो परम पावन भूमि है, यह अपने आप में पुण्य प्रदान करने वाली है। और मकर संक्रांति का जो यह पुण्य पर्व है, जो आगामी 14 जनवरी दिन सोमवार को प्रातःकाल 8:38 से प्रारंभ होकर के सूर्यास्त तक चलेगा, यह अपने आप में अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। मकर राशि 12 राशियों में दसवीं राशि मानी जाती है और यह राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो आज के दिन से सूर्य उत्तरायण की दिशा में प्रवेश करते हैं। आज के दिन से उत्तरोत्तर सूर्य की ऊर्जा प्रखर होना प्रारंभ हो जाती है, जो ऊर्जा मानव जीवन में सब प्रकार की सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाली होती है। मकर संक्रांति के दिन से शिशिर ऋतु का प्रारंभ होता है। इसके पहले हेमंत ऋतु रहती है, लेकिन जैसे ही धनु राशि से सूर्य हट करके मकर में प्रवेश करते हैं तो आज से शिशिर ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, जो सब प्रकार के शुभ कर्मों के निमित्त आज के दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भगीरथी माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का जो यह त्रिवेणी की परम पावन धारा है, धर्मशास्त्रों के अनुसार भगीरथी माँ गंगा स्वयं भक्ति के प्रतीक हैं, सूर्यतनया माँ यमुना कर्म की प्रतीक हैं और जो अदृश्य सरस्वती हैं यह ज्ञान की प्रतीक हैं। मकर संक्रांति के दिन भक्ति कर्म और ज्ञान की गंगा में जो स्नान करता है उसका एक अद्भुत फल प्राप्त होता है। आज के दिन से ही हमारे देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और राक्षसों की रात्रि प्रारंभ होती है। जब सूर्य उत्तरायण में रहते हैं 6 महीने तक देवताओं का दिन रहता है और राक्षसों की रात्रि रहती है, और जब दक्षिणायन में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं सिंह राशि के पश्चात तो उस समय दक्षिणायन के सूर्य आ जाते हैं और तब जो है हमारे यहाँ देवताओं की रात्रि और दैत्यों के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। देवताओं के दिनों में निरंतर मानव जीवन में उत्तरोत्तर भक्ति ज्ञान वैराग्य का समावेश होता है, और जब देवताओं की रात्रि प्रारंभ हो जाती है तो भौतिकता या भौतिकवादी मन मस्तिष्क में मानव प्रवेश कर जाता है। इसलिए उत्तरायण के सूर्य का अत्यधिक महत्व है और मकर संक्रांति यह केंद्र बिंदु है। मकर संक्रांति के दिन माँ त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात प्रयाग में दान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में दान में कम कलयुगे, कलयुग में दान का विशेष महत्व है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष दान की बात हमारे यहाँ कही गई है। जैसे चावल में दाल मिला करके और वो दाल भी उड़द की दाल या मूंग की दाल डाल करके उसमें काला तिल डाल करके और दान करने का विधान है, और उसी का भोजन करने का विधान है। क्योंकि जो चावल होता है वो शांति का प्रतीक है और जो उसमें दाल पड़ती है वो कर्म की प्रतीक है,
जीवन में शांति तभी प्राप्त होगी जब आपके जीवन में सत्कर्म जुड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में, और जो काला तिल है वह तो जो है स्वयं कृष्ण का रूप माना जाता है, इसलिए काले तिल का भी अत्यंत महत्व है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मकर संक्रांति के पश्चात जो ये माघ मास आता है, ये माघ मास स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन से आपकी इस गंगा यमुना के परम पावन धारा के तट पर लाखों की संख्या में लोग कल्पवास करते हैं और कल्पवास करके यहाँ पर अपने मुक्ति की कामना करते हैं, क्योंकि प्रयाग मकर संक्रांति के लिए हमारे यहाँ श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पत ही आव शब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो प्रयाग में जितने भी लोग मकर संक्रांति में आते हैं और आकर के यहाँ पर गंगा में स्नान करते हैं, यह मानव रूप में स्वयं देवता आते हैं, क्योंकि देव धनुज देवता आते हैं, धनुज आते हैं, मानव आते हैं, यक्ष आते हैं, किन्नर आते हैं, गंधर्व आते हैं, ये सब के सब यहाँ पर मानव शरीर धारण करके यहाँ पर आते हैं और आकर के सब जो है अपने पुण्यों का अर्जन करते हैं, अपने पूर्वकृत किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं और भगीरथी माँ गंगा में स्नान करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में आचार्यों ने, विद्वानों ने, ऋषि महात्माओं ने इस बात को कहा है कि जिस प्रकार की सर्प अपने केचुल को छोड़ करके अपने नवीन शरीर को धारण करता है, उसी प्रकार मकर संक्रांति में जो व्यक्ति गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट में, पावन जल में स्नान करता है, वह अपने समस्त पूर्व जन्म के पापों से निवृत्त होकर के और पुण्यों का अर्जन करता है, परम पवित्र पावन बनता है, परम पवित्र बनता है और भगवत धाम को अर्थात वैकुंठ को प्राप्त करता है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।